इधर गाजियाबाद की क्रॉसिंग थाना पुलिस ने तीन ऐसे छात्र चोरों को गिरफ्तार किया है जो करोड़ों रुपए की चोरी की घटना को अंजाम दिया करते थे। ये छात्र पढ़ाई के साथ साथ काम भी करते थे, जहां अपने ही मालिक के साथ गद्दारी करते हुए उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। दरअसल अतुल पांडे नाम का व्यक्ति एक व्यापारी के यहाँ काम करता था और आरोपी ने व्यापारी के पास मौजूद पैसे की जानकारी जुटाई और घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने सर्विलेंस, मुखबिर और अन्य माध्यमों से तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने पूछताछ में बताया है कि ये सभी लोग जानते थे कि व्यवसायी के घर में करोड़ों रुपए की रकम थी। उसके बाद चोरों ने व्यापारी के कार्यालय पर चोरी की घटना को अंजाम दिया। इधर पुलिस ने चोरों के पास से 1,97,00,000 रुपए बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया है। जो वादी हैं विकास, उनके यहाँ के ही दो वर्कर्स जो उनके ड्राइवर ऑब्लिक कुक हैं, अतुल पांडे और अरुण, इनके द्वारा इस ऑफिस की, इस फ्लैट की डुप्लीकेट चाबी बनवाई गई। और उसके बाद दो लोग, बंटी जो कि अतुल पांडे का दामाद है और बंटी का मित्र सुनील, इनके द्वारा ये चोरी की घटना कारित की गई, जो कि CCTV फुटेज में भी क्लियर है। और उन्होंने अपना आइडेंटिटी छिपाने के लिए मास्क लगाया हुआ है और हेलमेट लगाया हुआ है, उस सारी CCTV फुटेज में ये चीज़ें क्लियर है। उसके पश्चात चोरी करने के पश्चात इन्होंने पैसे एक नितिन नाम का इनका एक मित्र है मुरादनगर में, उसके घर पे करीब 1,97,00,000 रुपए उसके घर पे रख दिए थे, जो कि नितिन के यहाँ से बरामद हुए हैं। तो इन अभियुक्तों की, अतुल पांडे की, अरुण और नितिन, इनकी गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। जो इधर गाजियाबाद को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का तोहफा जल्द ही मिलने वाला है। पिछले काफ़ी समय से गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम प्रस्तावित था, जिसको लेकर गाजियाबाद क्रिकेट एसोसिएशन ने जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास किया जाएगा, जिसका शिलान्यास BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला और सांसद रिटायर्ड जनरल VK सिंह 10 मार्च को करेंगे। इस स्टेडियम की क्षमता करीब 55,000 है। इसके लिए UPCA और GCA की तरफ से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद भी दिया गया। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह है कि जो कि काफी समय से जो गाजियाबाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण जो कि प्रस्तावित था और काफी जो दिक्कतें थी उन सबका समाधान होने के बाद में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के का शिलान्यास 10 तारीख को करने जा रहा है। इसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के शिरोमणि माननीय राजीव शुक्ला जी, उपाध्यक्ष BCCI, सांसद राज्यसभा के कर कमलों